आज हम प्रार्थना शुरू करेंगे। आप सब मसीह भाई बहनों के लिए मैं आज प्रार्थना करूंगा। आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ जरूर करिएगा और ग्रहण करिएगा और भरोसा रखिए, एक दिन आपका हर काम सफल होगा। प्रार्थना के शुरू करने से पहले हम आपके सामने कुछ वचन पढ़ना चाहते हैं, जैसे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाकर और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे वो प्रतिफल देगा। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे पूरा दिन संभाल कर रखा और मेरे परिवार को। खुदावंद धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु आज सुंदर से समय के लिए आपने हमें चुना है और हमें आशीष दी है, और मेरे परिवार भाई बहन माता पिता जो भी मेरे परिवार में सदस्य हैं उनको आप संभाल कर रखें। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज सुंदर से समय के लिए आपने मुझे चुना है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। उनको आप आशीष दीजिए, उनके हृदय में विश्वास को पोइए, उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के तमाम दुख भरे अंगों को आप जला दीजिए। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि उनके परिवार को और उनके घर में जो है पिता परमेश्वर सुख और शांति दीजिए। पवित्र आत्मा बीमार अंगों को और दर्द भरे अंगों को आप जानते हैं, उन्हें आप ठीक कीजिए, उनकी जलन को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उनके परिवार कभी टूटने ना पिता परमेश्वर। उनके परिवार में झगड़े या किसी प्रकार की हिंसक हो पिता परमेश्वर तो आप उन्हें दूर करें परमेश्वर। उनके जीवन में हर एक क्लेश को निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर, सीने में दर्द, जलन, घबराहट, उलझन, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं खुदावंद। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप उनके जीवन में हर एक दुख को दूर करेंगे। जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं, आप एक सच्चे मात्र खुदा हैं। आपने हमसे वादा किया है कि आप अगर हमसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तो हम आपको आशीष देंगे। आपने कहा है पिता परमेश्वर कि अगर जो मुझसे प्रार्थना करता है मैं उनको आशीष दूंगा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हर एक मसीह भाई बहन को आशीष दी है, क्योंकि आपके जो बेटे और बेटियां होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं उनके घर परिवार को भाई और बहनों को आप संभाल कर रखते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए तमाम प्रकार की बीमारियां, दुख, बुखार, जुखाम, सर्दी, काली खांसी, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु हम आज्ञा देते हैं। मैं इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार को और शोक को दूर कीजिए, तमाम क्लेश दुख उन्हें छोड़ के चले जाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के तमाम दुख भरे अंगों को आप जला दीजिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप उन मसीह भाई बहनों को आप आजाद करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आज उन्हें जीवन देंगे, और जो बोलते नहीं है पिता परमेश्वर बोलने लगे आपसे प्रार्थना करें, जिनको सब नहीं आती प्रार्थना करना वो आपसे प्रार्थना करें। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर इस रात्रि के समय में आज्ञा देता हूँ कि तमाम प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा और तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हो जाए, ज्योति उन पर चमके, उनके जो असाध्य रोग लगे हुए हैं, तमाम अंतकारी रोग हैं प्रार्थना के द्वारा आग से लेकर के सिर तक तमाम से दुख भरे अंग हैं उन्हें आप जला दीजिए पिता परमेश्वर। तमाम असाध्य रोग, तमाम प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा के द्वारा आग से लेकर के सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंग को आप चला दीजिए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप तमाम प्रकार की बीमारियों को, रोगाणु, विषाणु, जुकाम, बुखार, तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर, कैंसर होते फेफड़े में कैंसर पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आप उनको आजाद करेंगे परमेश्वर। आप उनको आजाद करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे घर परिवार, मेरे भाई, मेरे माता पिता जो भी हैं पिता परमेश्वर, आज उन सब मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। खुदा आप मात्र एक है, मैं विश्वास के साथ
साथ कहता हूँ पिता परमेश्वर आपने आजाद करेंगे। हे परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे ओर ध्यान दे सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर। प्रिय अपना तमाम हाथ जो है भाई के ऊपर रखें, क्योंकि आपकी एक हाथ नहीं पिता परमेश्वर, आपका हाथ छोटा नहीं हो गया है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं आपकी भलाई न कर सकूं पिता परमेश्वर। आप तो इस सृष्टि पर हर मसीह भाई के ऊपर के हाथ रखते हैं पिता परमेश्वर, तो आपसे प्रार्थना करें उन बहनों को आप आशीष दीजिए जिनके परिवार में कोई है नहीं पिता परमेश्वर, उनको आप आशीष दीजिए, उनके ऊपर हाथ रखें जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के बीमारी, उलझन, घबराहट, सिर में दर्द, पेट में दर्द, खून की कमी, पथरी, पैरों में दर्द, सीने में दर्द, मिर्की, लकवाता, रतौंधी, टीबी, थायराइड की बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस, काली खांसी, बुखार, दिमागी बुखार, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, तमाम प्रकार की निमोनिया, इन सभी प्रकार की बीमारियों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ अभी से वक्त दूर हो जाए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर आपने आजाद करेंगे इन सब बीमारियों से पिता परमेश्वर। परमेश्वर के परिवार को सिक्योरिटी दीजिए पिता परमेश्वर, परमेश्वर के परिवार को बचाइए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, उनके परिवार को आप बचा करके रखेंगे पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर, जाए उनके परिवार को, घर को, माता पिता जो भी उनके परिवार में हो, सदस्य में हो पिता परमेश्वर, अभी उनको ठीक करें और उनके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता परमेश्वर पहरा लगा दीजिए पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा पिता परमेश्वर पहरा लगा दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपके बेटे और बेटी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता यहोवा परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, मैं आपसे गिड़गिड़ा करके विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे परिवार को बचाइए पिता परमेश्वर। जो भी दुख है, मुसीबत है पिता, पैसे ही नहीं है पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की समस्या है, जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु कि आप मेरे घर को, परिवार को शांति देंगे, सुख देंगे पिता परमेश्वर, हर एक मुसीबत से बचा के रखेंगे प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें हर प्रकार की बीमारियां छोड़ के चले जाएं प्रभु, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के तमाम पैर से लेकर के अंग तक जितने भी अंग है पिता परमेश्वर, उसमें दुख है पिता परमेश्वर, तो आप उन्हें चला दीजिए। मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की बीमारियों को आप आजाद करिए पिता परमेश्वर। जिन बीमारियों का नाम नहीं है वो पिता परमेश्वर छोड़ के उन्हें चले जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।